मी 11X डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर पिक्सल ओएस का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जिसे डाले हुए हो चुके हैं 1 डे। और यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है उससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इस लेटेस्ट पिक्सल को आपको डालना है या फिर नहीं डालना। आप सभी को पता है पिक्सल जो ओएस है ये काफ़ी ज़्यादा लाइटर रहता है कस्टमाइजेशन के मामले में, और यहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने अबाउट सेशन पे, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मी 11X। आप इसे अपने पोको F3 या K40 चैनल डिवाइस में डाल सकते हो, जहाँ पे 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, प्लस का कर्नल है, और यहाँ पे पिक्सल ओएस का बिल्ड नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। अनदर बॉटम पे वो एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल सेफ्टी एंड पासवर्ड प्राइवेसी वगैरह आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिवाइस इनक्रिप्टेड, यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग के ऑप्शन है, और बाकी वही बेसिक से ऑप्शन, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। सिस्टम के अंदर जेस्चर से मैं आपको क्विक टैब, ओपन कैमरा, लैप टू चेक वगैरह, 100 स्क्रीन शॉट और बाकी पेवर रिंगिंग वगैरह भी आपको मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको डिवाइस डायग्नोसिस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सही काम करता है। बाकी बैटरी के अंदर आपको देखने को मिलता है ये प्रोफाइल, जो कि परफॉर्मेंस बूस्ट रियली में करता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब आप इसका यूज करोगे। ये है इसका चार्जिंग कंट्रोल और ये बैटरी का विजेट्स वगैरह जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, सारी चीज़ें वही देखने को मिलती है जो कि आपने लास्ट टाइम देखा था। और आप देख सकते हो जियो का सिम है, 5G नेटवर्क आपको शो करता है, और जियो 5G आपका वर्किंग रहता है यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती जियो 5G से रिलेटेड। और कुछ पिक्सल के वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे आपको साउंड के प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया, तो सिंपल सा बेसिक सा ही आपको देखने को मिलेगा। ऐप्स के अंदर यहाँ पे वही बेसिक्स ऑप्शन है, कोई भी लॉक और आपको क्लोन का फीचर्स नहीं मिलता है क्योंकि पिक्सल ओएस है। और यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि आप इनेबल कर सकते हो। गूगल का डायलर मिल जाता है जो कि आपको पता है ना अनाउंसमेंट वगैरह करके देता है। और एक सबसे बड़ी कमी मैं कहूँ यहाँ पे देखने को मिली है वो इसका कैमरा, कम से कम इसमें स्टॉक कैमरा तो ऐड करना चाहिए था जो कि इसके साथ आता है बाय डिफॉल्ट वाला, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कैमरा है तो आपको GKM के साथ जाना पड़ेगा या फिर आप रूट वगैरह करके अगर डालना चाहते हो, अगर पता है तो उस मैटर से आप यहाँ पे कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज सिस्टम डिफॉल्ट नहीं मिलता। UI रियल में काफ़ी स्मूथ रहता है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देता है, लेकिन सेटअप के टाइम पे सम टाइम जब नीचे के कीबोर्ड वगैरह रहते हैं, जैसे ABCD है, बैक बटन है, ये बटन है, ये बहुत ज़्यादा रेयर केस में काम करते हैं, बार बार प्रेस करना पड़ता है, और इसके जो FW है ना उसकी वजह से दिक्कत आती है। लेकिन जैसे एक बार सेटअप कर ले तो उसका कोई भी टच में दिक्कत नहीं आता, बस सेटअप के टाइम पे आता है। और ये चीज़ मैंने कई सारे डिवाइस में नोटिस किया है, चाहे वो मेरा F5 हो या F6 हो या Note 10 Pro वगैरह हो, तो ये FW की वजह से इशू आती है सम टाइम हाइपर ओएस वाले। तो इसमें अगर आती है तो एक बार बस आपको लॉन्ग प्रेस करके, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर डालना है तो यहाँ से नहीं, बस लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से नंबर ऐड कर लेना, अकाउंट वगैरह डाल लेना, उसके बाद जब ऐसे एक बार सेटअप कर लोगे तो आपका जो कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, यहाँ पे काम नहीं करा तो ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, आप कई बार ट्राई करोगे ना, कोशिश करोगे तो आपका वर्किंग रहेगा, लेकिन एक बार सेटअप करने के बाद वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है इस रोम का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर ऐप की बात करें तो ये इतने ही ऐप आपको देखने को मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हमारे वीडियो कॉल वगैरह की, तो हमारा वर्किंग है, कैमरा वगैरह हमारा वर्किंग रहता है, साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्पीड है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 18 आवर्स में जो हमारा 29% चार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पीड आपको देखने को मिलता है। बैटरी ड्रॉप 97 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 94, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 8 आवर्स 21 मिनट में, जो कि ओवरऑल मैं कहूँ अच्छा है। वहीं पे नॉर्मल CPU टोटल जो कि ओवरऑल ठीक है, बट जैसे इसका मैं पावर प्रोफाइल यूज करता हूँ बूस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे 3,25,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,89,000 के आसपास आता है, और 90 का परसेंटेज और ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंट है। ये सिंपल टेस्टिंग है विदाउट बूस्ट के, और ये बूस्ट का है जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। वहीं पर AnTuTu स्कोर एक नॉर्मल सा स्कोर करके देता है, कोई खास मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो बुरा भी नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है। उसके बाद Geekbench भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। गेमिंग आपका यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल जाता है, फोटो स्टोरेज अनलॉक है, गेमिंग में एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं है, तो आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो फॉलो कर लेना, अदरवाइज डिफॉल्ट नहीं मिलता। पिक्सल का वैसे तो फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलता ही मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे और कुछ खास देखने को नहीं मिला। और हाँ, एक सबसे बड़े ड्रॉबैक आप कह सकते हो अभी के टाइम पे, वो है डिवाइस का सर्टिफाइड नहीं होना, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा फेल शो करता है, तो आपको मैनुअली इसे पास करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे फिक्स करना चाहते हो या कोई ऐसे रोम के साथ जाना चाहोगे जिसमें बाय डिफॉल्ट फिक्स रहता है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, तो आपको मैनुअली सारी चीज़ें जो करनी पड़ेगी।
तो बस आज के लिए इतना ही सा था इस छोटा से अपडेट के अंदर। और रही बात इसे डालना कैसे, तो वही सिंपल सा मेथड है, आप ADB साइडलोड का मेथड फॉलो करके FW डालो, रोम को डालो या फिर ऑरेंज फॉक्स यूज करते हुए FW को फ्लैश करो और रोम को फ्लैश करो और फॉर्मेट एंड रिबूट कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में एक इंस्टॉलेशन गाइड ऐड कर दूं, बस उसे फॉलो कर लेना, इस रोम को इंस्टॉल करने से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, बस सिंपल आपको डिवाइस को ऑफ करना है, उसके बाद पावर एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करके अपने फोन का रिकवरी ओपन कर लेना है, जो कि ऑरेंज फॉक्स है। अब जैसे ओपन होता है आपको सबसे पहले यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया FW उसे सेलेक्ट कर लेना, जो कि रिकमेंडेड है सेलेक्ट करना, इसी तरीके से स्वाइप कर देना, विद इन फ्यू सेकेंड ये कंप्लीट आपके फोन के अंदर फ्लैश हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट फ्लैश होता है आपको क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद ये पिक्सल ओएस मैंने आपको वीडियो दिखाया है, सेम पिक्सल ओएस आप सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे CR-DROID का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं CR-DROID करूँगा, सेम आप पिक्सल कर लेना, सेलेक्ट कर लेना और स्वाइप कर देना। स्वाइप करते ही ये एक फ्यू सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी टाइम लेता है कंप्लीट होने देना। जैसे ही आ जाता है ऑप्शन, आपको जो बैक आना है, फिर वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे यस टाइप करना है और फॉर्मेट क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट करोगे आपका फॉर्मेट हो जाएगा, उसका सिस्टम रिबूट कर देना है। कुछ ही सेकेंड के अंदर आपका बूट लोगो आ जाएगा पिक्सल ओएस का, जैसा कि यहाँ पे CR-DROID का आया है। उसके बाद बस आपका काम बन गया। ये छोटा सा इंस्टॉलेशन गाइड था, आई होप